झंडा झंडा का इंडिया का झंडा लगा लक्ष्य लक्ष्य मूवी है तो झंडा। मम्मी आगे कंप्लेंट करिए बस, और बम्पिंग मत कराओ यार, पहुँचा दो अब हमें वहाँ पे। इसकी स्टोरी क्या है ये टैटूज के पीछे की, एक बार बता दो। सो एज यू गाइस सॉ यस्टरडे बहुत ज़्यादा मज़े आए थे, बहुत अच्छा डिनर गया और लिमोजीन राइड वाज रियली गुड। बाद में बैटरी रन आउट हो गई थी इसलिए आगे के ब्लॉग नहीं बनाए। तो अभी आज हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी पे, लेकिन उससे पहले मम्मी पापा इज ऑलरेडी अपनी अभी कहाँ जा रहे हैं लेकिन हम टेस्ट कराने। कौन सा टेस्ट है ये? कोविड टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी जब आप जाओगे तो फिर से कोविड रिपोर्ट मांगते हैं। तो यहाँ पे अभी शायद 150 दिरहम का टेस्ट है और इंडिया में 800 रुपये का है। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर 800 रुपये का वहाँ कराओगे तो आपको उसमें 6 से 7 घंटा एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा। तो टू स्किप दैट लाइन, यहीं से टेस्ट कराना इज बेटर। दैट्स अ लैंड क्रूज़र जो आज हमें लेके जाएगी डेजर्ट सफारी पे। आफ्टर यू राज द लैंड क्रूजर, लव इट अल हबीबी अल हबीबी। ठीक है आओ। बट लेकिन अभी इस ब्लॉग के बाद बहुत सारे लोगों का एक सवाल ज़रूर आने वाला है कि यार ये तेरे पापा के हाथ पे जो टैटूज़ हैं ये क्या है, ये हमें ज़रा बताएं और इसकी स्टोरी क्या है ये टैटूज़ के पीछे की, एक बार बता दो। व्हाट कम्स टू आवर माइंड इज आवर चिल्ड्रन, या एंड दे आर माय चिल्ड्रन। माय नेम एंड मिस्टी इज माय सस्पेक्ट नेम, दैट्स माय मॉम्स नेम। मॉम का नेम डाला, मॉम गणेश गाइस, ब्यूटीफुल गणेश। इसमें शायद मुझे 1.5 घंटा लग गया था वो बनाने में। हाँ, it took 1.5 hours for this tattoo, but I loved making it in Goa, so I find it कि yes when I believe in Sir Ganesha ji, so I must have this tattoo. Joshing around, he's made me possible. Joshing around, I love it. He's made me possible to visit Dubai and that too, and so long tours. Abhi tak you got some words for the limo ride? or you are still speechless? Oh yes, I'm speechless. अभी तक मैं limo ride में ही हूँ। अभी तक उस ride पे ही हो। अब पहले कल limo हो गई, आज land cruiser हो गई। मैं से निकल ही नहीं पा रही। अब आपने दूसरी गाड़ी में बिठा दी। अच्छा योशी, कल आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? World's tallest building बुर्ज खलीफा में, जहाँ पे नासा को बहुत टाइम से जाने का मन है, बुर्ज खलीफा। और वैसे मैंने और नायसा ने एक रील्स भी बनानी है, तो वो आज हम रील्स बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को रील्स देखने तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। आ गए डेजर्ट पे, ये रहा। अभी थोड़ी देर में डेजर्ट राइड शुरू होने वाली है, तो उससे पहले वो गाड़ी की टायर की हवा निकाल रहा है ताकि वो ज़्यादा स्लिप ना हो। वो थोड़े जितना वो नीचे रहेगा टायर तो उतना ज़्यादा वो स्मूथ राइड रहेगी, तो इसलिए टायर की हवा निकाल रहा है। तो अभी चारों टायर की हवा निकलेगी। और मैं तो अभी हल्का सा ये बम्प आया था, मैं तो उसी में ऐसा हो गया था कि भाई तो ये लिफाफा, तो ये लिफाफे मिलते हैं आपको गाड़ी में अगर आप बैठो, आपको लिफाफे हैं। क्योंकि कहते हैं अगर तुमने वॉमिट करा तो 300 दिरहम चार्ज है। तो मम्मी ने कहा भाई मुझे सबसे पहले लिफाफा ला के दे दो कि जैसी आएगी मैं तो इसमें कर दूंगी। नाइस इज ऑल्सो रेडी। पापा पीछे बैठ गए, पॉपी पीछे, मैं आगे बैठ गया। मैं चलो मैं आगे से अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में राइड शुरू होने वाली है। सफारी में किस लिए आता है? थोड़ा कम बम वाला लो ना रास्ता। इससे कम वाला नहीं है। वापसी भी यही रहेगा? नहीं, वापसी पे नहीं है। तो वापसी वाले रास्ते से ले चलो। अच्छा। जो एंजॉयमेंट का मारा है हमें। जान का डर ज्यादा लग रहा भैया। राइट क्या होता है? उल्टी आ रही तुझे? नहीं। फिर ज़्यादा बम्पी राइड थी। अभी यहाँ पे शायद आगे 5-10 मिनट और है और सारा आप देखो सैंड 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 सन। पहले फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। चढ़ो ना क्या भाई क्या, जल्दी जल्दी पैर रख, जल्दी जल्दी रख। यस आओ, हाथ रखना ही पड़ेगा। पर्स क्यों ले आए? अच्छा वो भी है, लाओ लाओ पर्स दो पहले। ये पकड़, चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए। वेरी गुड। झंडा 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 का, इंडिया का झंडा लगा दो। लक्ष्य लक्ष्य मूवी है तो झंडा झंडा लगा दो। तो पूरा सैंड ही है, सैंड सैंड सैंड। इसलिए लोग ग्रुप में जाते होंगे कि अगर कोई एक गाड़ी बाई चांस बीच में रुक गई तो और गाड़ियां हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे थे बीच में एक गाड़ी अटक गई थी, उसका टायर स्पिन हो यार चल ही नहीं रही थी। मम्मी आगे कंप्लेंट करिए बस, और बम्पिंग मत कराओ यार, पहुँचा दो अब हमें वहाँ पे। क्या हुआ? बम्पिंग तो नहीं है? ठीक ठीक हाँ, चलो चलो बैठो आराम से। पहले उड़ गया। पीछे वाला कैमल भी आ रहा है बिल्कुल साथ। कैमल पकड़ा हुआ ना टाइट, टाइट पकड़ के रहा। राम इतना ऊपर लग रहा है, इतना ज्यादा ऊपर है ना। बैठा तो जो पीछे का जो स्टेयरिंग था पीठ पे लगा था। पता स्टेयरिंग स्टेयरिंग जो होता है कैमल का स्टेयरिंग। भाई लेजर अब यहाँ पे रात को हमारा डिनर होगा, सो विल बी हैविंग अ डिनर हियर। यहाँ पे कुछ शो है, यहाँ पे शो भी होगा। वेलकम ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक टेक मैसा एंड अरेबिक कॉफी, दैट्स अ स्वीट। This is the shisha place. Do you know what is shisha, mummy? Shisha. Shisha is a mirror. Shisha is not a mirror. It's hookah. You know hookah. Okay. So यहाँ पे इनका वो tradition style होता है. So that's their hookah over here. वहाँ पे you have something to shop. तो अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी shopping shopping करनी है. So वो अभी चलते हैं थोड़ी देर में. फैल्कन है ये देखो। बिहाइंड द सीन्स। ये मत डालना वीडियो में। स्पीकर, लाइट, चेयर, टेबल, हैंड, फेस, मी, नेम, पीपल, फूड, ग्लासेस, मम्मी, बाय। तो वी जस्ट हैड आवर डिनर और अभी अभी एक स्वीट आई है ये वाली। मम्मी कैसी है वाली? दिस इज कॉल्ड खीर। खीर खीर कैसी सी है? बड़ी अच्छी थी या गंदी थी? इस ओकेश ओकेश लगी। तो ये कैसी लगी? कौन सी तो द फूड वाज गुड बट द चिकन वाज रियली रियली गुड। यहाँ की एक स्वीट डिश थी वो बहुत प्यारी थी। सो बस अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, खाना हमारा हो चुका है और अब थोड़ी देर में हम जाएंगे घर। तो घर जाते वही सेम रास्ता है, बहुत लंबा दूर जाना है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अभी और भी पार्ट्स आने वाले हैं, कल हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा, तो बहुत सारे और भी मस्ती मजाक होगा। तो स्टे ट्यून टिल देन, पीस आउट पीस आउट। पानी के बीच में, बिल्कुल पानी के बीच में शार्क है वहाँ पे। बस एप्पल वॉच एवर। हम बुर्ज खलीफा के अंदर ही हैं।